हेलो प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के सर्व नाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्व नाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्व नाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, सीता कल गांव जा रही है। सीता ने अपना सामान बांध लिया है। सीता अपनी बहन के साथ गांव जा रही है। सीता ने गांव के बारे में बहुत सुन रखा है। सीता का बहुत मन था गांव जाने का। अब देखिए, बार बार सीता शब्द का प्रयोग हो रहा है। सीता क्या है? संज्ञा। और संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग होने के कारण यह पढ़ने में बहुत अटपटा सा लग रहा है। अब उदाहरण देखिए, सीता कल गांव जा रही है। उसने अपना सामान बांध लिया है। वह अपनी बहन के साथ गांव जाएगी। उसने गांव के बारे में बहुत सुना है। उसका बहुत मन था वहां जाने का। अब देखिए, संज्ञा शब्दों के स्थान पर उसने, वो, वह, वहां, उसका शब्दों का प्रयोग हो रहा है, जिससे वाक्यों में एक गति सी बनी रहती है और जो पढ़ने में भी अच्छे लगते हैं। इस प्रकार देखिए, बार बार जब नाम है आता, भाषा को अटपटा बनाता। शब्द नाम की जगह जो आता, सर्व नाम है वो कहलाता। इस प्रकार देखिए, ये जो जितने भी शब्द हैं, यह, मैंने, उसे, मैं, हमने, वे, तुम, हम, हमारा, ये सभी जो हैं सर्व नाम शब्द हैं। तो इस प्रकार सर्व नाम संज्ञा के स्थान पर जो भी हम शब्दों का, जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, वह सर्व नाम कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे सर्व नाम के भेदों के बारे में। सर्व नाम के 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। ये वे शब्द हैं जो व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे वह, मैं, तुम इत्यादि। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष वक्ता के लिए यूज किया जाता है, अर्थात वक्ता, बोलने वाला, जैसे मैं, मेरा इत्यादि। दूसरा है मध्यम पुरुष। यह श्रोता के लिए प्रयोग किया जाता है, श्रोता मतलब सुनने वाला, जैसे तुम, तुम्हारा इत्यादि। तीसरा है अन्य पुरुष। यह किसी तीसरे के लिए प्रयोग किया जाता है जो श्रोता और वक्ता के बीच में उपस्थित नहीं होता, जैसे वह, उसका इत्यादि। दूसरा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम ये वे शब्द हैं जो किसी निश्चित वस्तु, घटना का बोध कराए, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, यह मेरा घर है, वह मेरा घर है, मतलब यह बात निश्चित है। तीसरा है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे कोई, कुछ, जैसे कोई आ रहा है, मुझे कुछ खाने को दो, मतलब निश्चित नहीं है। चौथा है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य में दूसरे सर्वनाम शब्दों से होता है, जैसे जो, सो, जैसी, वैसी इत्यादि। जैसे जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी इत्यादि। पांचवा है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है, वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे कौन, क्या इत्यादि। तुम्हारा नाम क्या है, यह कैसे हुआ, तो कौन, क्या, कैसे इत्यादि प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। लास्ट है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जो अपनेपन का बोध कराने के लिए प्रयोग होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे आप, स्वयं, खुद इत्यादि।
जैसे मैं अपना काम खुद कर लूँगा, मैं अपने आप चला जाऊँगा, ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सर्वनाम और सर्वनाम के भेद के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।